हो तो गया तो मिनिमम नहीं, मतलब 6,000-7,000 आ जाता है आपके आखिर हाँ कमाऊंगी अगर काम करूंगी तो मेरा 6,000 ऐसा हो जाता है, 6-7,000 तो आराम से कमा सकती हूँ। ये होता है प्रोग्रेस। नमस्ते, टचदिले सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल की एक मजेदार वीडियो में। मजेदार वीडियो के साथ साथ ये इंफॉर्मेटिव और प्लस आपको मोटिवेट होने वाला है, वो इसलिए बता रहे हैं, वो किस लिए बता रहे हैं वो रेसिपी आप जान जाएगा। आज मैं यहाँ आए थे सिस्टर के यहाँ, इन सिस्टर के रेसिडेंट में खाने पीने का जो भी कार्यक्रम था वो फुलफिल हुआ, साथ साथ जो मैंने दीदी से सुना है वाई नॉट आप सबसे भी मैंने शेयर करूँ सोचा, क्योंकि ये वाकई में आपको जानना चाहिए। वो क्यों बोलने से पहला बात इसलिए क्योंकि जो एशियन बोले तो स्पेशली हमारा जो इंडिया से हो गया, नेपाल से हो गया, जो लोग यहाँ पे काम करने को आता है ऑब्वियसली हमारा इंडिया नेपाल से जो लो कैटेगरी में जो काम करता है, चाहे वो ड्राइवर में हो, चाहे वो हाउसमेट में हो, क्लीनिंग में हो, वो लोग ये नहीं बताना चाहते हैं, राइट। बट वाई जो आपका रियलिटी है वो लोग ध्यान से क्या प्रॉब्लम है, राइट। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मिला रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जो लोग मान लो आप इंडिया में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में, वो लोग जो यहाँ में आके जॉब करना चाहता है तो उनका रियलिटी पता होना ज़रूरी है उनको। एक हाउसमेट है तो उनको कितना तकलीफ झेलना होता है, उनको पगार कितना मिल सकता है। यदि एक ड्राइवर है तो उसको किस तरह का काम करना होता है, कितना पगार मिल सकता है, राइट। आपका इनिशिएट में क्या हो सकता है, आई मीन बिगिनिंग में कितना सैलरी मिलेगा, तो बात को 2-4 साल होने के बाद कितना सैलरी मिलेगा, या फिर इनिशिएट में मतलब शुरुआत में कितना मेहनत करना पड़ेगा, बाद में क्या मेहनत होगा, ये सारा चीज़ आज मैं दीदी से जानने वाला हूँ। और दीदी जो है हाउसमेट में काम करती है, और पहले क्या मैं काम करती थी, पहले कितना कमाती थी और अभी कितना कमाता है। सो दिस थिंग्स ऑल विल लेट यू नो फ्रॉम सिस्टर, ओके। चलिए दीदी आप छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दीजिए मेरे व्यूअर्स। जी नमस्ते, मेरा नाम मीरा है, हालचाल में मैं अभी दुबई में काम करती हूँ। वैसे आप कहाँ से दीदी? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल कहाँ से? नेपाल काठमांडू से हूँ। व्यूवर्स एक बात बता दूं आपको, दीदी है नेपाल से और नेपाली तो ऑब्वियसली वो जानती है। मैंने दीदी से स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि हम हिंदी में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नेपाल के लोग जो हैं वो सारा लोग को हिंदी पता है, चाहे वो गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो, लेकिन इंडिया में जो बंदा है जो भी है लोग हैं वो नेपाली नहीं पता, राइट। सो मेरा ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ठीक है, ओके। तो दीदी आप यहाँ कब आए थे? फर्स्ट में तो मैं 2012 में आई थी। 2012 जी, तो अभी है 2000 तो लिटरली लगभग काफ़ी उम्र, लगभग 8-9 साल गुजर गया। हाँ, 8-9 साल गुजर गया। पहले जब आए थी तो आप क्या में जॉब कर रही थी और कितना आपका पगार थी उस वक्त? वो पहले मैं हलवा जापान स्वीट में आई थी, अरबिक स्वीट में। अच्छा, रसल खाइमा में। सो होटल में मेरे को 900+ 200 फ्रूट के लिए बोल के लेके आया था। सो हम लोग को पैसा नहीं मिला, पगार नहीं मिला, पगार टाइम पे नहीं मिला, नहीं मिला। तो जितना बोल के सैलरी से लेके आए थे हम लोग को बिल्कुल भी कंपनी नहीं दी। ओके, तो इस वजह से हम लोग कैंसिल चले गए। जितना भी लड़के आए थे मतलब 25 लोग आए थे, तो 25 लोग ही हम लोग। माय गॉड, पहली बार जब कंपनी के जरिए से आए थे 25 लोग और जितना सैलरी बताया उतना नहीं मिलने का, वैसे आप लोग वापस चला गया 25 लोग। हाँ, ओके, 9 महीना ऐसा बैठा, 9 महीना तक बैठे यहाँ पे। हाँ, तो फिर हम लोग चले गए। देन उसके बाद दोबारा कब आया? फिर दोबारा मैं दुबई नहीं आया, फिर मैं ओमन चली गई। ओमन पे गया जी, हाउस में, अभी घर में काम था मेरा, हाउसमेट में काम किया वहाँ पे। फिर क्योंकि मेरे को उस टाइम में मेरा पैसा भी नहीं था कंपनी में आने के लिए, उस टाइम में आते वक्त भी मेरा 95,000 लग गया। 95 बोले तो 95,000 देखिए गया था ओमान में। नहीं तो ये कंपनी में आते, ये कंपनी में आते, दुबई पे आए। तो फिर बाद में तो मैं फ्री में गया। अच्छा, जहाँ पे गए थे? ओमान। ओमान में फ्री में गया। दर्शक आपको बता दूं, ओमन भी गल्फ कंट्री के एक वो है, कंट्री है, जैसे कि आपका यूएई है उस तरह ओमन भी है और सऊदी है, ठीक है। तो ओमन में गए थी एक हाउसमेट के रूप में काम करने, और वहाँ पे कितना साल काम किया दीदा? 2 साल 8 महीने। 2 साल 8 महीने वहाँ पे क्या पगड़ था आपका? मेरा उधर का 60 रियल था। 60 रियल यानी इंडिया का, नेपाल का लगभग कितना होता है? उधर का ऐसा एक दरम का ऐसा 200-300 ऐसा में आते हैं। अच्छा, तो उस वक्त कितना होता था आपका वो 60 रियल कितना होता है? लगभग 15,000-10,000? हाँ, 16-17,000 होता था। वहाँ पे कितना लगभग काम किया आपने? 1 साल 2 साल 8 महीने 2 साल 8 महीना उसके बाद फिर? फिर मैं उधर से वापस आई, नेपाल चली गई। फिर नेपाल से दुबई। ओके,
दुबई में उसके बाद आते वक्त क्या काम पे आया था? एक्चुअली कंपनी में क्लीन सर्विस के लिए बोल के आया था, क्लीनिंग काम पे आया था, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट क्लीनिंग काम के लिए लेकर आया था कंपनी में। तो हम लोग को कितना 1500 यदि आप आना चाहते हो इस बात पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे उनको बताया 1500 लेकिन यहाँ पे कितना मिला, बेसिक 600। तो ये चीजें भी होता है। 600 बेसिक और 200 अलाउंस। हाँ, 800 ही हुआ। तो फिर हम लोग काम करते थे, 12 घंटा काम करते थे, 12 घंटा बाहर कंपनी का, यानी कभी मार्केट से बैठता था, कभी सब मार्केट का जो वॉशरूम में सब होता था, वॉशरूम वगैरह क्लीन करना, ये सब होता था। तो 12 घंटा करना पड़ता था, 12 घंटे अभी 800 रुपये में काम करते थे। तो घर में बेचता क्या था? तो कंपनी खाना बेचना देता था। ओके, खाना बेचना कंपनी, तो 800 ही बचता था आपका। सॉरी, एक मिनट, क्या बना? तो 800 रुपए में आप काम करते थे 12 घंटा, तो घर में कितना पैसा बेच सकते थे? 800 पर बेच सकते थे? नहीं, एक्चुअली क्या होते थे, थोड़ा बहुत खर्चा भी रखना पड़ता है ना, तो लगभग 500 रुपए कुछ बेचते थे। ये कब का समय की बात है? 2012-13-14 कब की बात है? अच्छा, ओमन से डर के आया था? नहीं, पहले ओमन से नेपाल चले गए, नेपाल से फिर इधर आया। तो 2016-17 के अंदर में आप यहाँ पे काम किया। 2016-17 आपका सैलरी था कितना? लगभग 800 समथिंग। ओके, उसके बाद से क्या आप यहाँ हो या उसके बाद फिर गए? नहीं, फिर मैं छुट्टी वेकेशन में गए। दो साल आपने 800 में काम किया। 800 में काम किया, बाहर कंपनी ने बाहर भी दे दिया। फिर एक साल में एयरपोर्ट में काम हो गया। एक साल अपने एयरपोर्ट में काम किया। क्लीनिंग काम, तो मेरे को उधर की थोड़ा कुछ मिलता था, टिप से करके इधर उधर करके मिला, ऐसा 1000 तो हो जाते थे। तो हम उसमें साबुन वाबुन ऐसा होता है ना, का ऐसा सामान खरीद करने के लिए लगता था, तो हम रहता था ऐसे 700-800 रुपये रहता था। एक बात आप सबको मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक बात पूछना चाहेगा आपसे, क्या आप पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा तो इतना नहीं हूँ। आप इंग्लिश बोल लेते हैं? हाँ, इंग्लिश तो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे पहले। okay. सो मैंने आप हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी भी थोड़ा कुछ बोल लेते थे, क्योंकि मेरे को हिंदी भी इतना पता नहीं था। तो अभी आराम से धीरे धीरे से आप सीख गए। तो आपको थोड़ा बात करना चाहूँगा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ सिस्टर से, क्योंकि जो लोग देखिए, चाहे इंडिया में हो या चाहे नेपाल में हो, राइट, घर की स्थिति कुछ भी हो सकते हैं, तो भीख मांगे उससे अच्छा कि जॉब ही कर लें। जॉब करने का मतलब देखो, मान लो अब हम सब मिडिल क्लास से या पॉवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, तो हमारा पैसा नहीं होता, उधार लेके ही हमें विदेश आना होता है। तो उधार लेके आने के बाद हमारे एक दिन में या जहन में ये बात बार बार आता है कि हम इतना पैसा उधार लेके यहाँ आएगा तो क्या हमको इतना जॉब मिलेगा? लगभग मान लो वहाँ 2-4 लाख रुपया उधार मिले, या मैं डायरेक्ट 30,000-40,000 जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोच होता है। ये मिलना ज़रूरी नहीं होता है। एक बार यहाँ आने के बाद आप जॉब मिल जाता है तो यहाँ की चीज़ें सीखते हैं, यहाँ में एक्सपीरियंस होता है, फिर आपको धीरे धीरे क्या होता है, सैलरी बढ़ता जाता है। तो अभी दीदी का कितना सैलरी है मैं ये भी बताऊँगा। और दूसरी बात देखो, जब दीदी आई थी तो इनको इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था। तो जिनको लगता है अपना इंडिया में हो या नेपाल में हो रहे कि मुझे इंग्लिश आना पड़ेगा विदेश जाने के लिए या हिंदी आना पड़ेगा, बगैर इंग्लिश या बगैर हिंदी बड़ा पढ़ा लिखा का मैं बाहर दर्जी काम नहीं कर सकती, यदि आपको ऐसा लगता है देन ये आपको शायद गलत फहम है, ठीक है। आप यहाँ आके कर, ये जीता जगता एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसलिए आपको बताऊँ कि ये आज का वीडियो मोटिवेट भी होने वाला है। आप ये वीडियो देख के आप सीख ले सकते हैं और आप अपना फैमिली का स्टैंड कर सकते हैं, आई मीन चाहे तो फैमिली के लिए यहाँ आ सकते हैं। ऐसा दीदी एक नहीं बल्कि बहुत लोग हैं ना दीदी आपके साथ, जितना लोग काम करते मैक्सिमम लोग शायद इंग्लिश हिंदी नहीं जानता था होगा, पर अभी लोग यहाँ काम करते करते इंग्लिश भी मालूम है, हिंदी भी मालूम है, बगैर वो लोग इंग्लिश किया आई मीन स्कूल गए, यहाँ पे काफी चीजें सीख गया, पैसा भी कमा लिया, यदि घर पे भी काम करते उनका बच्चा का साथ आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो ये सारा चीजें हो जाता है। देन अभी आपका जो उसकी बात का क्या सफर रहा, कितना 2017 से आपने काम किया, वो क्लीनिंग हो गया, एयरपोर्ट में हो गया, आपका लगभग 700-800 था उसके बाद? हाँ, फिर जाके मेरे को लगा मेरे को इतना से इनफ नहीं होएगा। एग्जैक्टली जी, तो फिर मैंने दिमाग लगाया मैं कोई जगह में जा सकती हूँ, तो मेरे को कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा कुछ तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो कॉन्फिडेंट आ गया। तो फिर मैंने ना
हमारा प्रैक्टिस कंपनी है उसमें चली गई। तो फिर मैंने उधर अच्छा जॉब था मेरा उधर दिल सिनेमा में था मेरा कॉटन कैंडी पॉपकॉर्न। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा आपको बात करना चाहूँगा। देखिए जो लोग फ्रेशर आते हैं ये गौर से सुनिएगा, या फिर अपना जो घर होम कंट्री में दीदी जो पहले आए थे इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था तो कॉन्फिडेंट कहाँ से होगा, राइट? इनको तजुर्बा नहीं था, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता था, तो कम सैलरी में करने के लिए भी हिम्मत करके यहाँ आ गया और हिम्मत करके काम भी किया 2-3 साल, तब एक्सपीरियंस गेन हुआ है ना, चीज़ें समझा, तब कॉन्फिडेंस आया, तो सोचा कि मैं थोड़ा आगे जा सकता हूँ, ज़्यादा सैलरी में काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आया, राइट, तब जाके आपने कंपनी चेंज किया। तो एक इंसान होने के नाते ये चीज़ें तो हम ग्रेजुअली सीख सकते हैं, राइट? तो पहला दिन से ही ऐसा हो जरूरी नहीं है। देन उसके बाद अभी फिर जाके मैंने कंपनी चेंज किया। कंपनी में जाके मतलब जो कंपनी था मेरा वो कंपनी मेरा एमआर का कंपनी था, मतलब एमआर का जो रेल सिनेमा एमआर का, हाँ, जो उधर मेरे को काम मिला। ओके, वो फैसिलिटी कंपनी थी। हाँ, फैसिलिटी था। तो उधर मेरा ये था, मतलब बच्चा खिलाने का जगह में होता है, देखा इम्प्रूवमेंट आया ना, पहले 700-600 उसके बाद 800 अभी 1500 में पहुँच गए। उसके बाद अभी फिर ऐसा 7-8 महीना ऐसा 9 महीना हो गया था, मेरे लोग अभी अच्छा हो रहा है मेरा, मैं अच्छा कमाई कर सकती हूँ। तो वही टाइम में मेरा कोविड का वजह से आ गया। हालांकि आपने इतना ग्रोथ कर दिया था कि आप अभी तो अच्छा जगह में काम अच्छी जगह में मिल गया, लेकिन अभी अच्छा हो जाएगा जब वो सोचे तो फिर सब कोविड-19 हो गया, कोविड-19 से सारा सब खत्म हो गया। तो फिर हम लोग 5-6 महीना तो ऐसे बैठना पड़ा। आप घर गए उस वक्त? कंपनी बोला एक घर जा सकती हो नहीं तो आप कंपनी चेंज कर सकती हो, ये दोनों हम लोग को छूट दिया। बैठने के लिए तो कंपनी देता था, खाने के लिए जो रेल सिनेमा का जो एमआर का जो कंपनी था उन लोगों ने हम लोग को खाने के लिए सब देता था। तो ऐसा करके तो नहीं होएगा क्योंकि पैसा के लिए आए हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जितना जाना तो नेपाल चली गई है, और जो नहीं जाना चाहते तो काम ढूंढना शुरू किया। तो मैंने भी यही सोचा मैं आया हुआ तो बहुत ज़्यादा, हाँ, तो फिर मैं सोचा मैं काम ही ढूंढ लूँ। तो बहुत जगह मैंने काम ढूंढ लिया, फंसने पॉकेट में पैसा नहीं है फिर भी मैं इधर उधर काम के लिए जाती हूँ, तो फंसने सब लोग पैसे ही मांगता है। ये चीज़ें होता है जब आप किसी के पास काम मांगना चाहते हो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं काम के लिए, जॉब ढूंढना है तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं? मैंने बहुत जगह ऑफिस में भी किया, कंपनी जो ऐसा काम देने वाला ऑफिस में भी चली गया, उसको बोलते हैं कंसल्टेंसी या एजेंसी, वहां पे एजेंसी में गया। और कोई लोग जो दोस्त लोग के साथ भी मैं पूछा, उसके रेफरेंस भी गए, जो जगह में उन लोग जा रहा था उसमें भी पूछा। तो उधर हर जगह में बोलता है पैसे फंसने में। तो जो ये कंपनी था मैं काम किया, जो ये है ओल्ड टीमो कंपनी, वो कंपनी में गया तो उन लोगों ने बोला मुश्किल नहीं है, हम लोग आराम से पैसा सैलरी से काटेगा। तो उसने बोला तो मेरे को भी सही लगा, मेरे को भी फंसने सही लगा क्योंकि जो भी जाता है तो पैसे ही मांगता है, मांगता है 1500 तो उधर से लेके आऊँ, मैं पूरी पैसा नहीं होके बैठ रही हूँ। तो ऐसा होने के बाद कंपनी ने ऐसे आपको थोड़ा बात करना चाहिए, मैं बीच बीच में आपको इंटरप्शन करके ये बता रहा जो की फैक्टर है, आई मीन की पॉइंट है। देखिए जब कोरोना के समय में कोविड-19 के समय में जॉब चला गया तो बहुत लोग घर चले गए, मेरा भी उस वक्त यही हालत था, मेरे दोस्तों घर चला गया, पर मैं स्टिक रहा। उस तरह दीदी ने भी क्या कोशिश किया, हालांकि दीदी को रहने का खाने का पीने का कंपनी दे रहे थे, लेकिन हम सबको आने का यहाँ मकसद ये नहीं है कि खाना पीना रहना, राइट? हमें 2 रुपये कमाना है, घर को बेचना है अपना बच्चे के लिए, राइट, फैमिली के लिए। तो दीदी ने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। जब जॉब ढूंढते हो तो यहाँ पे कई सारा आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है, जैसे कि एजेंसी के पास जाते हो तो एडवांस पैसा मांगता है, वो कंपनी मतलब 1000-1500 ऐसा कुछ मांगता है, उसके कोई श्योरिटी गारंटी कुछ नहीं होता, आप पैसा दे दिया वो काम देगा, कोई श्योरिटी नहीं, वो पैसा खा के गायब भी हो जाएगा। तो कई सारा प्रॉब्लम, तो दीदी के पास इतना पैसा नहीं थे, तो दीदी ने क्या किया और भी कोशिश किया ढूंढने को, राइट? तब दीदी को ऐसा कंपनी भी मिला, देखिए ऐसा कंपनी भी है जो आपको पहले काम देता है, बात करो चाहे वो वीज़ा का पैसा हो, चाहे वो फीस हो, कंसल्टेंट फीस जो भी हो, वो बात को सैलरी से भी काटते हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ ऐसा भी कंपनी है जो आपको 54 पैसा नहीं काटते बल्कि एडवांस देता है, ये आपको खर्चा है बात को कुछ सैलरी से काट लेंगे, तो ऐसा भी कंपनी होता है। सो दुबई में हर एक प्रकार का हो जाएगा, मिल सकता है आपको, कोशिश आपको छोड़नी नहीं, मतलब हार माननी नहीं। ये कब समय की बात है, 2020 लगभग 1920 की बात है,
कोविड आया था ना 19 में, उसी में 1920 के बाद ऐसे में है। तो फिर मैंने क्या किया, अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो कितना लड़की लोग पैसा देके भी चली गया दूसरा अच्छा जगह में, तो मेरे तो टाइम ही नहीं था जो मेरे पास पैसा अच्छा जगह में जाऊँ जा सके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी को चुन किया। तो एक कंपनी ने क्या बोला, अभी ऐसा कंपनी नहीं है जैसा स्कूल में जॉब हो, जैसा मार्केट में ऐसा जॉब हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने बस बोला मेरे को, अभी घर का फिलहाल घर का खुल रहा है तो आप घर में कर सकते हैं। सो मैंने उम्र में तो मैंने घर के काम किया, तो मेरे को क्यों शर्म है, क्यों शर्म है। हाँ, तो फिर मैंने काम में कोई शर्म नहीं होता। तो फिर मैंने ओके कर दिया, ओके करके मैंने अपना जितना भी पेपर था उधर जमा कर दिया। जमा करने के बाद ऐसा 10-15 दिन के बाद ही मैं उपस्थित कंपनी में हो गया। तो ये रहा दीदी का जर्नी, आप सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा हो, पहले क्या मैं काम की थी, फिर किसे गया, फिर वापस आया, फिर वापस आ कि पहले घर में काम कर रही थी, फिर क्लीनर कंपनी में, फिर एयरपोर्ट में, फिर अभी ये कंपनी ने साथ दिया है। हालांकि दूसरा कंपनी जैसे कोई लोग पैसा मांग रहे थे एडवांस वगैरह की, लेकिन इस कंपनी ने कहा कि आपको मैं वीज़ा दूंगा, काम दूंगा, लेकिन काम फिलहाल घर का रहेगा, क्योंकि कोविड-19 के समय हर रेस्टोरेंट्स मॉल्स वगैरह बंद हो रहे थे ना, पर घर में काम थे, तो इसलिए घर पे वो लोग जो कंपनी बोल रहे थे ना, वो सप्लाई मैन कंपनी होता है, ठीक है, वो सप्लाई कंपनी है जो घर पे बेचता है या क्लीनिंग के लिए बेचता है, उसको सप्लाई कंपनी बोलते हैं। तो उन्होंने आपको हायर किया जी। ओके, तो फिर उधर से काम करने के लिए मैं उधर किया। तो एक तो फिर तो मेरे को घर का इतना तो थोड़ा कुछ तो पता था, फिर भी मेरे को कैसा लग रहा है कंपनी में काम करके अचानक घर में जाने से, फिर थोड़ा कैसा कैसा लगता है ना, डर सा लगता है, क्योंकि कैसा होता है उधर मेरा 1500 बेसिक था। तो ये देखिए ग्रोथ 15 बेसिक, उसके ऊपर कुछ होता था नहीं, उसने 1500 बेसिक और ऐसे करके 1800 बोला था। तो पहले आपका बेसिक था 600, बाद को 1500 ऐसा, तो अभी 2022 और 2023 आ गया। तो अभी बोले तो अभी 2022-23 में अभी आप कितना कमाते हो? अभी तो आप यदि अच्छी तरह से काम करते हैं तो आपका कितना सैलरी होता है? एक्चुअली मैं अभी तो मेरा पार्ट टाइम काम करती हूँ, मैं अपना विस्ता में काम कर रही हूँ। सो मेरा अपना विस्ता में मैं पार्ट टाइम करूँगी तो मेरा 6 घंटा का अभी मेरा 3000 सैलरी है। तो बाकी का मैं 6 घंटा और किधर भी करूँगी बोली का, तो मैं घंटा का महीना का कुकिंग का 700-800 लेती हूँ और क्लीन का 500 लेती हूँ। तो वही हिसाब से मैं कमाती हूँ, अगर अच्छा जगह मिल गया जो तो मिनिमम नहीं, मतलब 6000-7000 आ जाता है आपके। हाँ, कमाऊंगी अगर काम करूंगी तो मेरा 6000 ऐसा हो जाता है, 6-7000 तो आराम से कमा सकती हूँ। ये होता है प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, तजुर्बा होने से एक्सपीरियंस, जो कि आते ही नहीं मिल सकता। लेकिन जो इंडिया में नेपाल में रहने वाले आते ही होंगे ये सोचते कि हम भी घर के काम कर रहे हैं, मेरा दोस्त उसको 6000 मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए, ये आपका सोच होता है। लेकिन इसने जो जो करके आया, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी भुगतान किया वो आपने नहीं किया, राइट? जो तजुर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है बहुत मैटर करता है। पहले थे 600 रुपया का सैलरी, उसके बाद 1000-1500, फिर 1000-1500, अभी कितना कमा सकते हैं, लगभग 5-6000। वो भी आपको अच्छा काम नहीं भी मिलता है तो मिनिमम 3000 तो हो जाता है ना, 3000-4000 में से नेपाल का बजट 1 लाख रुपया और 5-6000 में से इंडिया का 1-2 लाख रुपया मिलता हो सकता है, मतलब 6000 तो नेपाल का 2 लाख हो जाता है, राइट? सो ये रहा दीदी का सफ़र, वो मैं आपको इसलिए शेयर किया कि आप भी कभी काम करना चाहते हो तो ये जो चीज़ें हैं आपको जाननी चाहिए। एक तो बात ये कि आपको बहुत एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, दूसरी बात आप कभी हार नहीं मानना है, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो आपको डट के आगे बढ़ना है ना। तो गाइस आज का जो मोटिवेशन वीडियो बनो या फिर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजा कीजिएगा, बाय बाय। नमस्ते नमस्ते।